कि हम हैंगर स्टेशन वाले हैं, आपका ऑर्डर लेकर के आए हैं, आप आकर के आप अपना ऑर्डर ले लो। कस्टमर बोलता है कि ठीक है, मेरा भाई जो कि अभी आपके पास जाएगा और जा करके ऑर्डर आपसे ले लेता है, लेकिन हम जो कि कैश पैसा नहीं दे पाएंगे, इसलिए कि मेरे पास अभी कैश पैसे नहीं है, जो कि मेरे भाई को आप अपने कार में लेकर के जाओ और एटीएम से पैसा लेकर के आना है, उसके बाद जो कि आप जो कि पैसा अपना ले लें, उसके बाद जो कि आप ऑर्डर हमें दे सकते हैं, हम बहरहाल अपने भाई को जो कि भेजते हैं आपके पास। तो जैसे उनका भाई उनके पास जो कि आता है, तो उनके पास क्या होता है फ्रेंड, ए टू जेड हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। फ्रेंड मेरा नाम है शमशेर आलम और आप देख रहे हैं आलम लोग। तो एक दिन होता ये है कि एक जो कि जहेज के राइडर है उनके पास एक ऑर्डर आता है, और ऑर्डर आने के बाद से जहेज की जो राइडर है उन्होंने ऑर्डर को जो कि एक्सेप्ट कर लेते हैं, और एक्सेप्ट करने के बाद जो कि वो मोताम पे जाते हैं, वहां से जाके ऑर्डर ले लेते हैं। लेने के बाद कस्टमर के घर पे जाने के बाद कस्टमर को जब कॉल करते हैं, तो कस्टमर के पास जब कॉल करते हैं तो कस्टमर बोलता है कि ठीक है, हम अपने भाई को भेज रहे हैं, आप उन्हें ऑर्डर दे दें, लेकिन मेरे पास कैश पैसे नहीं है, आपको थोड़ा सा मतलब दिक्कत सहना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा एटीएम में और वहां से जो कि आपको पैसा निकाल के कि मेरा भाई देगा, उसके बाद जो कि आप ऑर्डर उन्हें दे दें, ठीक है, अभी हम अपने भाई को भेज रहे हैं। तो राइडर बोले कि ठीक है। तो जब तक राइडर इंतजार करते रहे, और आपको बता दें ये कहानी जो कि आपको सऊदी अरबिया तबुक का है, जिसमें कि ये महरजान का ये कहानी है, आपको जो कि बिल्कुल सोच समझ के जो कि काम करना होगा सऊदी अरबिया के अंदर, जो कि आप फूड डिलीवरी जॉब कर रहे हैं। तो बहरहाल जैसे जो कि कस्टमर ने अपने भाई को भेजा, तो जो राइडर देख के आ रहे हैं कि एक बंदे नहीं आकर के दो बंदे आ रहे हैं। पहले से अपने कार को जो कि चारों डोर को लॉक करके रखा था, उतना में कस्टमर का जो कि भाई आता है और इन्होंने कांच को थोड़ा सा जो कि डाउन करके तो उनसे बात करते हैं। कस्टमर बोलता है कि ठीक है, मेरे पास कैश पैसा नहीं है, आपको एटीएम पे चलना होगा। तो राइडर बोलते हैं कि ठीक है, आप पीछे बैठ जाएं। पीछे वाले जो कि डोर ओपन करते हैं, तो जो कस्टमर आया था ऑर्डर लेने के लिए, फिर उसने बोला कि ठीक है, अभी नहीं जाते हैं, ऐसा करो कि आप हमें अपना जो कि व्हाट्सएप का नंबर दे दो। तो बातों बात में इन्होंने जो कि राइडर थे उन्होंने अपने कार का कांच जो कि और नीचे करके उनसे बात करने लगे कि ठीक है, आप हमें अपना व्हाट्सएप नंबर दे दो, हम अपना जो कि अकाउंट जो कि आपके पास जो कि सेंड करते हैं, आप हमें ऑनलाइन पेमेंट कर देना। बातों ही बातों में जैसे जो कि राइडर है अपने कार का कांच नीचे करते हैं, नीचे करने के बाद जो कि कस्टमर जो आया था वो फौरन ऐसे हाथ लगाता है कार से जो कि ऑर्डर लेके भाग जाता है, और जब भाग जाता है तो इन्होंने अचानक जो कि इनको सन सा पड़ जाता है कि ये क्या हो गया, हमने जो कि कैश पैसा इनसे जो कि कलेक्ट करना था, और वो भी पैसा जो कि 194 रियाल का है, अब हम क्या करें। थोड़ा देर के लिए जो एकदम सुन सा हो जाते हैं, फिर सोचते हैं, जब तक जो कस्टमर जो ऑर्डर लेके भागा था उसके हाथ में जो कि थोड़ा ही ऑर्डर लगा था, जब तब तक उसमें का दूसरा एक और जो लड़का था वो वापस जो कि इनके कार के तरफ आने लगता है, जब तक ये फिर देखते हैं राइडर तो अपने कार से निकलते हैं बाहर और उसको दौड़ाने की कोशिश करते हैं, एक पत्थर मारते हैं और फिर उसे वो दोनों यानी कि रवाना हो जाता है, भाग जाता है। जब ये देखते हैं कि राइडर कि मेरे पास जो ऑर्डर था वो टोटल ऑर्डर जो कि मेरे कार के पास ही गिरा हुआ है, सिर्फ कस्टमर के हाथ में क्या लगा है, तो सिर्फ 6 पेप्सी लगा हुआ है, यानी कि 194 रियाल का जो ऑर्डर था उसमें से जितने भी बर्गर थे सब जो कि कार के पास ही पड़ा हुआ था, और जो पेप्सी थे वो कस्टमर के हाथ लग गया था, वहां से जो कि लेकर के चला गया। फिर बहरहाल अपने आप को वहां से जो कि कैसे भी कंट्रोल करके, और पास में ही जो कि एक किराना स्टोर है यानी कि सुपर मार्केट है, उसके पास में जो कि अपने कार को जो कि खड़ा करते हैं और सोचने लगते हैं कि अब क्या करें। वहां से उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, डायरेक्ट वो क्या करते हैं कि जो कि जहेज वाले एप्लीकेशन में जाकर के उन्हें जो कि कमेंट करते हैं कि कस्टमर जो कि रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, जहेज वाले बहुत जल्दी जो कि राइडर के पास कॉल नहीं करते, आपको बता दे, ठीक है। तो उतना देर में इंतजार करते करते लगभग जो कि इनके 20 से 25 मिनट जो कि होने में आए, जब तक फिर वही बंदा जो कि कार से आता है लो, और बिल्कुल अपोजिट जो कि सुपरमार्केट था वहां खड़ा होने के बाद से अंदर से एक बैठा हुआ है और एक देख रहा है। फिर ये जो कि राइडर थे इनके दिमाग में कुछ ख्याल आया, लग रहा है कि ये लोग मेरे साथ जो कि कुछ ज्यादा बड़ा जो कि अनहोनी ना कर दे, इससे अच्छा है कि हम यहाँ से चले जाते हैं, हमने तो जहेज को कमेंट कर ही दिया ऑलरेडी। वहां से जो कि निकल पड़ते हैं, निकलते हैं तो वहाँ से लगभग यानी कि आधे घंटे के बाद वहाँ से उस एरिया से निकल जाते हैं, और वो एरिया आपको ताबूक का महरजान का है। उतने देर में एक और इनके पास जो कि ऑर्डर आ जाता है जहेज का, उन्होंने क्या करते हैं कि जहेज के ऑर्डर को जो कि एक्सेप्ट करके और दूसरे ऑर्डर की तरफ चल बढ़ते हैं। उतने देर में जो कि जहेज वाले की तरफ से कॉल आ रहा है, कॉल आ रहा है कि आपने ऑर्डर को जो कि ड्रॉप अप क्यों नहीं किया है, आपने कस्टमर को ऑर्डर नहीं दिया, क्या है, क्या आपका मसला है, आप हमें बताएं।
तो इन्होंने बताया कि जी हम ऑर्डर जो लेके गए थे वो कस्टमर जो कि अलीबाबा निकला यानी हरामी निकला और वो जो कि हमें पैसा नहीं देने के और ऐसे ऑर्डर लेके भागने की कोशिश कर रहा था, तो हमने उनको ऑर्डर नहीं दिया है, तो सो आप ऑर्डर को कैंसिल कर दें और मेरा पैसा जो कि हमें वापस कर दें। तो जहेज़ वाले बोलते हैं कि ठीक है हमको पता है, हम कस्टमर के कॉल करते हैं। कस्टमर के पास कॉल करने के बाद यानी कि 1 मिनट के बाद फ़ौरन जो कि जहेज़ वाला फिर से कॉल करता है, कैंसिल कर देता है। और करने के बाद देख रहे हैं क्या कि 5 से 7 मिनट के बाद जो कि जो पैसे 194 रियाल थे जो कि राइडर थे जहेज वाले उनके ऊपर जो कि ऐड कर देता है। तो इन्होंने जो कि सोचने में मजबूर हो गए कि अब बताइए अब हम क्या करें, जो कि कस्टमर का गलती था और जहेज वाले भी हमें हेल्प नहीं किए और हालांकि उल्टा हमारे ऊपर ही पैसा जो कि ऐड कर दिए। और फ्रेंड ये कहानी मेरे बताने का सबसे बड़ा ये उद्देश्य है कि आप सऊदी अरबिया के अंदर जो कि काम कर रहे हैं, आपने लगभग जो कि सुना होगा कि यहाँ अपोजिट ये लोग चलते हैं यानी उल्टा चलते हैं। अगर इनके साथ आप सीधा रहिएगा तो आपके साथ जो कि नुकसान पहुंचाते हैं, इनके साथ जो कि आप टेढ़ा रहेंगे तो अच्छे से सलूक करते हैं, अच्छे से पेश आते हैं। तो खैर बहरहाल मेरा कहना ये है कि उस समय आपने जो कि सिलेक्ट किया था कि मेरे पास जो कि कस्टमर रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, कॉल को पिकअप कॉल रिसीव नहीं कर रहा है, तो हम क्या करें, ऑर्डर उनको कैसे दें। आप लोग जितने भी मेरे भाई मेरे वीडियो को आप वॉच कर रहे हैं तो आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि कभी भी आपके साथ अगर ऐसा जो कि प्रॉब्लम जो कि फेस करने को आ रहा है तो उस समय डायरेक्ट आप जहेज वाले से कमेंट करने के बाद जब आपके पास जहेज वाला कॉल करेगा उस समय फौरन आपको यही बोलना होगा कि कस्टमर जो कि रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, हमने बहुत बार कॉल ट्राई किया, व्हाट्सएप में भी ट्राई किया और कस्टमर जो कि हमें रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। तो उसमें होगा क्या कि जितने का आपका ऑर्डर है वो पैसा आपको मिल जाएंगे और साथ में आपका जो कि डिलीवरी चार्ज है वो भी मिल जाएगा। और आप ये ना सोचिए कि कहीं कस्टमर के पास कॉल कर दे और कस्टमर उल्टा सीधा बोल दे तो कहीं मेरे ऊपर पैसे ऐड हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उसने तो खुद अलीबाबा है, खुद वो चोर है, तो कॉल पिकअप करेगा ही नहीं कंपनी का। और कॉल पिकअप नहीं करेगा तो आपकी तरफ में जो कि केस हो जाएगा और आपके तरफ केस यानी कि वो केस नहीं जो कि आपको जेल जाना पड़ेगा, उसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, वो यानी कि आपका पार्टी जो कि मजबूत हो जाएगा, उसमें जो कि आपका जितना ऑर्डर है जितने का ऑर्डर है उतना आपको पैसा भी मिलेंगे और डिलीवरी चार्ज भी मिलेंगे। लेकिन बहरहाल इनके साथ जो कि इनका पैसा मिला कि नहीं मिला अगले वीडियो में जो कि हम आपको बताएंगे। इन्होंने जो कि हमें बताया है कि हम जाएंगे जहेज वाले ऑफिस में और वहाँ जाकर के जो हम अपना कहानी सब बताएंगे और देखते हैं क्या करते हैं। तो अगले वीडियो तक आप अपना ख्याल रखिएगा।